बड़े व्यवसायिक घराने व्यवसाय की प्रगति के लिए M2 रणनीतियां लागू करते हैं। मैनेजमेंट की इन्हीं रणनीतियों से सबक लेकर सिंगू बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों ने भी अपनी M2 रणनीति बना ली है, और इनके लिए M2 का अर्थ है मैकेनाइजेशन और मोटिवेशन, जिससे इनके प्रदर्शन को लंबी उम्र मिलती है। प्रदर्शन के केंद्र बिंदु में है मशीनों का इस्तेमाल, खाना पकाने, हेल्थ, सैनिटेशन के प्रबंधन और बिजली, तमाम सुविधाओं के लिए यहां मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। किसान आंदोलन में धरने पर बैठे आंदोलनकारियों के लिए अभी तक भोजन, खासतौर पर रोटी, वॉलंटियर्स हाथों से पकाते थे, लेकिन दो दिन से यहां रोटी बनाने की ढेरों मशीनें आ गई हैं। बस सूखा आटा मशीन के मुंह में डालो और पकी हुई रोटी आपको मिल जाती है। इन मशीनों की क्षमता हर घंटे कम से कम 6,000 रोटियां तैयार करने की है, और ये दिन भर काम कर रही हैं। धरना दे रही महिलाएं पीरियड्स के दौरान परेशान न हो, इसके लिए उन्हें ब्रांडेड सैनिटरी पैड उपलब्ध कराए जा रहे हैं। साथ ही आंदोलनकारियों को मच्छरों से बचाने के लिए सैकड़ों स्वयंसेवक पीठ पर मच्छर मारने की फॉगिंग मशीन लादे NH44 पर हर 300 से 500 मीटर की दूरी पर मौजूद हैं। व्यक्तिगत साफ सफाई को देखते हुए हाईवे पर अलग अलग जगह वॉशिंग मशीनें लगाई हुई हैं, जहां कुछ ही घंटों में प्रदर्शनकारियों के कपड़े धोकर और प्रेस करके देने के लिए वॉलंटियर्स मुस्तैद हैं। आपको बता दें कि बिजली आपूर्ति के लिए किसानों ने खास व्यवस्था की है। ट्यूब वाटर पंप का संचालन करने वाली मोबाइल सोलर वैन को मोबाइल फोन चार्ज करने और बैटरी बैंक के रूप में तब्दील कर दिया गया है, और वे हाईवे पर जगह जगह सुबह से शाम तक तैनात हैं। खाना पकाने के स्थानों और दूसरी जगहों पर रात में रोशनी करने के लिए बैटरियों का उपयोग किया जा रहा है, जिन्हें ट्रैक्टरों से चार्ज किया जाता है। मैनेजमेंट के सिद्धांतों को लागू करने से प्रदर्शनकारियों को बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिलती है, जिससे कि वो अनिश्चित काल तक प्रदर्शन जारी रख सकें। वर्तमान परिस्थितियों को देखकर तो यही कहा जा सकता है कि अगर केंद्र सरकार ने किसानों की बात नहीं मानी तो ये आंदोलन लंबा चलने वाला है। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर।